नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज हम समझेंगे कि पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व किसे कहते हैं। तो सर, प्लीज हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व किसे कहते हैं। जी बिल्कुल मैडम, ये एक बहुत ही सुंदर या अच्छा प्रश्न है। सुंदर या अच्छा मैंने इसलिए कहा क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स के या जो हमारे युवा हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनके मन में ये क्वेश्चन, ये क्वेरी रहती ही है, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, कि सर पर्सनालिटी किसे कहते हैं। और कई बार हम लोगों से मिलते हैं अलग अलग प्रकार के, उनमें से कुछ हमें अच्छे लगते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी तरीके से बात करते हैं, तो हमको लगता है कि सर या मैम उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं। पर क्या एक्चुअल में, वास्तव में ऐसा होता है कि जो अच्छा दिखे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से बात करे, अच्छे से चले, क्या उसे हम पर्सनैलिटी कहेंगे? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की जो भाषा होती है, जो सब्जेक्ट है उस क्षेत्र में, तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं है। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, पर्सनैलिटी को साइकोलॉजी या मनोविज्ञान में जो परिभाषित किया गया है, वो ये कहा गया है कि व्यक्तित्व जो है, जो पर्सनैलिटी है, वो मानव के या हमारे अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग अवस्थाओं में हमारा जो व्यवहार होता है, जो बिहेवियर होता है, उन सभी को जब हम एक साथ देखते हैं तब हमारी पर्सनैलिटी बनती है। इसका मतलब ये है कि जब आप खुश हैं, आपने कुछ सोचा था, वो चीज़ आपको हासिल होती है, अचीव कर लेते हैं, मिल जाती है, या आप उस चीज़ को कर पाते हैं जो आपने प्लान करके रखा है, उसके बाद जो खुशी होती है, तो उस अवस्था में, उस मनोदशा में आप लोगों से कैसा बिहेव करते हैं जो आपके आसपास है, वो एक कंडीशन हुई, एक अवस्था हुई। दूसरी अवस्था ऐसी है कि आप हाईली डिससेटिस्फाइड हैं, बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं अपने जीवन से, अपने कार्यों से, अपनी उपलब्धियों से, या फिर आप जिस भी अवस्था में हैं, तो आप कैसा बिहेव करेंगे? एकदम नेचुरल बात है, आप गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, छोटी छोटी बातों पे एकदम बच्चे टाइप बिहेव करेंगे, ये भी हम काउंट कर रहे हैं। दूसरा, जब आप नॉर्मल कंडीशन में हैं, नॉर्मल मनोदशा में हैं, तब आप कितना रिस्क ले रहे हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, छोटों से कैसे बड़े बात कर रहे हैं, बड़ों से कैसे बात कर रहे हैं, या फिर आप अपने एकदम बहुत घनिष्ठ या क्लोज फ्रेंड से जब मिलते हैं तो आप कैसे बात करते हैं, वो मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि पर्सनैलिटी जो होती है, वो ये होती है आपके बिहेवियर का पार्ट। बिहेवियर अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग अवस्थाओं को जब हम एक साथ देखते हैं, खुश हैं तो कैसा बिहेव कर रहे हैं, दुखी हैं तो कैसा बिहेव कर रहे हैं, आपके सोचने का तरीका कैसा है, आप अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड या प्लान्ड वे में रखते हैं कि नहीं। मतलब कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के उसमें कि एग्ज़ाम आने वाला है, एक हफ्ता पहले बुक उठाएंगे, पढ़ेंगे, और उस समय वो प्लानिंग करेंगे कि एक दिन में मुझे ये पढ़ना है, दो दिन में वो पढ़ना है, तीन दिन में ये पढ़ना है, ऐसा ऐसा, तब वो ऑर्गेनाइज होंगे। इंजीनियरिंग वाले जो मेरे भाई बहन हैं, उनकी तो कुछ बात नहीं करूँगा, दे आर जीनियस, वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो कम टाइम में, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट लेके आते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो पर्सनालिटी जो है, व्यक्तित्व जो है, वो हमारे व्यवहार से बनती है, हमारी सोच से बनती है कि हम किस तरह से लोगों से बिहेव कर रहे हैं, लोगों के प्रति क्या सोच रख रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम जब अलग अलग कंडीशंस में बिहेव करते हैं लोगों के साथ, सिचुएशंस में, और उन सभी को क्यूमुलेटिव करके देखते हैं, एक साथ समावेशित करके देखते हैं, तब हमारी वो पर्सनैलिटी बनती है। मतलब सिर्फ अच्छा दिखना या अच्छे कपड़े पहनना या अच्छी बात करना पर्सनैलिटी का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, क्योंकि देखिए क्या है, अगर आप, भगवान ने जो आपको चेहरा दिया है, जो शरीर दी है, जो आकृति बना के भगवान ने भेजी है, उसमें आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं और वो ठीक है, बट
आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, कैसे अपने आप को रखते हैं, तो वो आपके व्यक्तित्व का एक पार्ट बन जाता है, एक भाग बन जाता है कि आप अपनी केयर कैसे कर रहे हैं। आप अपने जीवन के, अपने जो लाइफ के इम्पोर्टेंट गोल्स हैं उनको कैसे सेट करके रखते हैं, और जो गोल सेट किए हैं आपने उनको आप अचीव करने के लिए कर क्या रहे हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। तो अच्छा दिखना और ये सारी चीज़ें, प्रेजेंटेबल होना, अच्छे कपड़े पहनना, या आपके पास उतने अच्छे कपड़े नहीं है तो आप जो कपड़े हैं उनको नीट एंड क्लीन करके पहनते हैं, उसमें भी ये शो होता है कि आप किस, आपका व्यक्तित्व किस तरह का है, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। तो पर्सनैलिटी जो है वो आपके व्यवहार, आपके बिहेवियर को जब हम एकीकृत रूप में, इंटीग्रेटेड रूप में, समावेशित रूप में, अलग अलग कंडीशंस में जो आप बिहेव करते हैं उसको जब एक साथ देखते हैं तब हमारी पर्सनैलिटी बनती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे कि पर्सनैलिटी किसे कहते हैं। सर आपने बहुत अच्छे से बताया कि पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व क्या होता है, और ये पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व एक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है, क्योंकि सामने वाले, हम जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, हमारी सोच, समझ, विचार जिस तरीके के हैं, तो उस तरीके से हम सामने वाले पर प्रभाव डालते हैं, और ये हमारे होल लाइफ काम आता है, हमारा जो व्यक्तित्व है। हाँ, क्योंकि देखिए व्यक्तित्व तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको डिसीजन लेना, निर्णय लाइफ में, सुबह सो के उठते हैं आप और आपको सोते समय तक हर समय आपको निर्णय या डिसीजन लेना ही रहता है, चाहे आप जानते रहें या ना जानते रहें। मैं कौन सा ब्रश करूं, कितना बजे नहाना है, कौन सा कपड़ा पहनना है, कपड़े बहुत सारे होंगे, किससे जाना है, क्या करना है, दिन भर का सारा काम, तो जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें डिसीजन लेते हैं। अब बात ये आती है लाइफ में कई सिचुएशंस, कई बार हमेशा ऐसा होता है कि आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो आपको किसी से कुछ गाइडेंस चाहिए होता है, कुछ हेल्प चाहिए होती है, कुछ पूछना रहता है आपको। अब आप पूछते हैं, आपके समझिए चार या पांच फ्रेंड हैं, अब आप समझिए आपको मोबाइल फ़ोन खरीदना है, एक पर्सन ऐसा है जिसकी पर्सनैलिटी या जिसका व्यक्तित्व ऐसा है कि उसको मोबाइल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा नॉलेज है बिकॉज ऑफ हिज और हर इंटरेस्ट, और बाकी चार लोग हैं वो भी मोबाइल यूज़ करें। लेकिन जब आपको मोबाइल खरीदना है तब आप ऐसे पर्सन पे ज़्यादा विश्वास करेंगे जिसकी पर्सनैलिटी में दिखता हो, जिस पर्सनैलिटी में दिखेगा कैसे, भाई किसी के पास मोबाइल ज़्यादा अच्छा है, उसको ज़्यादा अच्छे से जानकारी है, मतलब उसको इंटरेस्ट है उस एरिया में, उस क्षेत्र में, तो उससे जब आप पूछेंगे तो वो बताएगा कि हाँ ये ऐसा है, तो आप उस पर ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। या फिर दूसरा अगर आप बात करें, एग्जाम्पल लें, तो ये भी होता है कि आपके लाइफ में कुछ फ्रेंड्स, कुछ दोस्त या रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर्स ऐसे होंगे जिनकी बात आप बहुत सीरियस होकर सुनते हैं, समझते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है, उनके जीवन में अगर आप देखें तो वो आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं, उनकी बातों में गहराई होती है, सच्चाई होता है, लॉजिक होता है, कारण होता है। यहाँ ये बात ध्यान में रखने वाली है कि जिनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है या पर्सनैलिटी जिनकी बहुत अच्छी, हमारे नज़र में जो बहुत अच्छी होती है, तो हम उनकी बात से बहुत प्रभावित होते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, और अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेना होता है हम उनसे जाके उस बारे में चर्चा करते हैं, या ये समझते हैं कि हाँ सबसे अच्छा हमको डिसीजन ये व्यक्ति दे सकता है। तो ये पर्सनैलिटी का ही असर है। और वो पर्सनालिटी बनती कैसे है, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या जो भी सर्कल में, क्योंकि वो अलग अलग सिचुएशंस में उन्होंने अपने आप को मैनेज किया है, प्रबंधन, मैनेजमेंट किया है लाइफ के डिसीजन मेकिंग। वो आपको कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, तब आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, आप समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए कहा जाता है कि पर्सनैलिटी जो होती है वो अलग अलग सिचुएशंस, सुख का समय है जब आप बहुत खुश हैं, दुख का समय है जब आप नॉर्मल हैं, या जब आप बहुत निराश हैं तब आप कैसा डिसीजन लेते हैं, वो आपके व्यक्तित्व को बताता है। अब व्यक्तित्व में अलग अनेक प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, एक्स्ट्रावर्ट, इंट्रावर्ट या अलग अलग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व के बारे में, और आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं
क्वेश्चंस कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, ताकि जितना जल्दी हो सके हम आपके कमेंट्स या क्वेरीज को उसमें रिप्लाई कर सकें। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, नमस्कार।